Vika Tufan! Ari Max! Nahin! Shukriya, Shom. Bal bal bac gaye. Mujhe aisa lag raha hai ki aur bhi musibatein aane wali hai. King is what you wanna be, yeah. Make your move, come on and make your move. Dinosaur King is your destiny, yeah. Make your move, come on and make your move. Control the cards right in your hands. Jurassic Giants at your command. D-D-D-D-Team. Watch out, here we go. Prehistoric dinosaurs aren't extinct anymore. See them fight, hear them roar. Watch out, cause they're right next door. The past is in the present. Time to twist it upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. जल्दी तुम्हारे पापा के महल तक पहुंच जाएंगे। हाँ, ये काफी तेज भागता है। हाँ, अगर चोर आ गए तो ये हमें लेके भाग सकेगा। क्या तुम्हें सचमुच ऐसा लगता है कि तुम्हारे पापा के वजीर की वजह से तुम चोरों के हाथ लगी हो जारा? अरे, उसका नाम क्या था? रशीद। मुझे तो लग रहा है कि वो मेरे पापा हुजूर के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है। हमें जल्दी ही उन्हें आगाह करना होगा। और उम्मीद है कि हमें वहाँ कॉस्मो स्टोन भी मिल जाए। हाँ, चलो जल्दी महल पहुँचते हैं। एक मिले, दो मिले, तीन मिले कॉस्मो स्टोन, चार मिले, पाँच मिले, छह मिल जाए कॉस्मो स्टोन, अगर सातवां भी मिल गया तो मुझे रोक पाएगा कौन? वो तो मेरा होगा ही। लगता है तुम लोग मुझे कॉस्मो स्टोन लोकेटर के बारे में कोई अच्छी खबर देने वाले हो। हाँ, ये बताने ही वाले हैं कि वो तैयार है। हमने उसे ऐसा बना दिया है कि वो कॉस्मो स्टोन की एनर्जी का पता लगा ले, जिससे तुम्हें ये पता लग सकता है कि वो कहाँ पर हो सकता है। शाबाश, शुरुआत तो बहुत अच्छी है। शुरुआत का क्या मतलब है? शुरुआत का मतलब है कि मुझे सिर्फ ये पता नहीं लगाना कि वो कहाँ हो सकता है, ये पता लगाना है कि वो कहाँ है। मुझे जल्दी से वो सातों स्टोन्स चाहिए। नहीं, काम खत्म हुआ है। तुमने जो कहा था वो हमने बना दिया है। तुमने हमें कैद करके रखा, इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर बात मानेंगे। मतलब तो यही है। मगर कॉस्मो स्टोन के साथ छेड़छाड़ करना पूरी तरह से पागलपन है। कोई नहीं जानता कि अगर उन्हें साथ मिला दिया गया तो क्या होगा। हाँ, ये तो कोई नहीं जानता, मगर ये सब जानते हैं कि अगर तुम लोगों की बकबक चलती रही तो तुम्हारा क्या होगा। सच कहता हूँ, बहुत बुरा होगा। अगर तुमने उनके बाल को भी हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे शरीर पर एक भी बाल नहीं रहने दूंगी। अच्छा है कि तुमने मेरा ये मैनिक्योर किट नहीं छीना है। ओ, मगर वो तो नाखून काटने के लिए है ना। उसे बड़बड़ाने दो, फुल स्कैप। अभी हमें कई जरूरी काम करने हैं। हमें उस कॉस्मो स्टोन का ही पता लगाना है जो अभी अभी नजर आया है। उसे ले आओ सर। और तुम दोनों जल्दी से कॉस्मो स्टोन लोकेटर को वैसा बनाओ जैसा मैंने कहा है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। अच्छा सुनो, भागने का प्लान बन चुका है। ठीक है, बढ़िया। उम्मीद है कि ये प्लान काम करेगा। बच्चों की याद आ रही है। जरूर काम करेगा। मैं इससे पहले भी एक बार जा चुका हूँ, फिर से जा सकता हूँ, मगर इस बार पूरी कोशिश करूँगा कि वो मुझे पकड़ ना पाए। यहाँ से निकलने से पहले ही तुम अपनी सारी एनर्जी खत्म कर देना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही वो दोनों वापस आते हैं हम निकल जाएंगे। आराम से बैठो। रेगिस्तान की गर्म हवा, दिल को कितना सुकून मिलता है और जोश भी बढ़ जाता है ना? शरीर चलने लगता है। ऐसा लग रहा है मैं तंदूर में बैठा हूँ। अरे सुनो, आगे कहीं पानी वानी मिलेगा या कम से कम पानी का मिरेज ही दिखेगा क्या? रेक्स, हेलो। कहाँ खोए रेक्स, जवाब दो। मिराज मिलेगा, रेगिस्तान में तो वो मिलता ही है। माफ करना, मैं धूप की वजह से कहीं खो गया था। मैक्स, हाँ, शायद तुम्हारा चेहरा लाल हो गया। हाँ हाँ, लाल होकर दमक रहा है। हाँ? अरे नहीं, 39 चोर आ गई मुसीबत। हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे।
प्रिंसेस, चलो अब अच्छी बच्ची बनो और हमारे साथ चलो। मैं अभी सिर्फ एक ही जगह जाना चाहती हूँ, पापा हुजूर के पास, उन्हें सारी बात बताने के लिए। वहाँ जाना है? आओ, हट जाओ वरना मैं। वरना क्या कर लोगे? मैं इस बार तुम्हारे जानवरों से निपट लूँगा। देखो डॉक्टर जी, जेंडर और एड, और आंटी भी तो है वहाँ। तुमने मुझे आंटी कहा, मैं अभी ऊंट से नीचे उतर कर तुम्हें मजा चखाने के लिए। उन्हें छोड़ दो, वो हमारे साथ हैं। सुन रहे हो? ये तुम्हारे साथ हैं? क्या ये बात सच है? बिल्कुल नहीं, ये सरासर झूठ है। अल्फा स्लैश डेरी से निपटो। अल्फा स्लैश, अपना काम करो डैन। ये क्या कर रहे हो तुम? उनका साथ दे रहे हो? दिमाग की बत्ती बंद हो गई है क्या? नहीं, अब मैं समझ गया हूँ कि कॉस्मो स्टोन ढूंढने में सिर्फ तुम लोगों से ही मेरा कॉम्पिटिशन है। बंद करो, मुझे तकलीफ हो रही है। हमला करो। अब हमें क्या करना है मैच? तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ करना ही है तो डॉक्टर जे और उसके 42 चोरों के सामने सरेंडर कर दो। क्यों? तुम लोग भी अब चोर बन गए हो क्या? नहीं, मैं डायनासोर किंग हूँ और अब मैं अपना ताज पाने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। अल्फा स्लैश, क्विक सेबर। नहीं जीनी, मैं उसकी मदद करता हूँ। डायनो स्लैश कार्निटोरस हल्लाबोर। जारा, मैं तुम्हें और चीनी को बचाऊंगा। जारा, मैंने तो तुम्हें बड़े प्यार से समझाया था। जॉन, प्रिंसेस को बचाओ। हट जाओ। चलो टेरी को ठिकाने लगाओ। मेरी आंखों में रेत चली गई, ये तो बेईमानी है। वापस चलो साथियों, वापस चलो। प्रिंसेस, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुमने और चॉम्प ने मुझे बचा लिया। चाहिए। हाँ, क्योंकि क्या क्या किसे? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? अब तुम लाल हो गए हो, लगता है धूप का असर अब तुम पे भी हो रहा है। हाँ, सही कह रहे हो तुम। तो? जल्दी चलो, हमें महल पहुँचना है, हम इंतजार नहीं कर सकते। कॉस्मो स्टोन यही आसपास कहीं पर छिपा है। हमने एक डील की थी, तुम जिसे कॉस्मो स्टोन कह रहे हो उसके बदले तुम अपने इन जानवरों की मदद से हमें प्रिंसेस को पकड़ कर दोगे। असल में ये डाइनो है। उसे हाथ मत लगा बेवकूफ, अल्फा स्कैनर कोई खिलौना नहीं है। मगर इससे बुरा और क्या हो सकता है? अब प्रिंसेस भाग चुकी है, इसलिए हमारी डील भी खत्म। कोई आया है? कौन है? वजीर रशीद को आपका संदेश मिल गया है और उन्होंने आपको तुरंत महल में बुलवाया है। आज तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है। कैच कैच खेलने से वक्त जल्दी गुजर जाता है। हाँ, मगर दूसरों का ध्यान भी बढ़ता रहता है। ध्यान तो बट रहा है। सब आ गए ना? कभी सोचा ही नहीं था कि हमें ये सब करना पड़ेगा। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, पर बच्चों के लिए कभी कभी ये सब करना पड़ता है। कोई सुन लेगा तो? अभी और कितनी दूर जाना है?
पहुंच गए हैं। ये रहा आपका प्लान, काम तो करेगा ना डॉक्टर ड्रेक? तैयार रहो, मैं ठीक हूँ। ये लो, ये भी लो, आया मजा। अभी तक तो सब ठीक है। रुक जाओ, अभी ठीक करता हूँ। एक इंजेक्शन का सवाल है। वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। मैं कुछ वक्त के लिए शोगन बना था, चलो उस दरवाजे से निकल लो। ये सही है। देखो, मैं इसी तरह शिप से निकला था। बांसाई, ठीक है, अब मेरी बारी। बहुत खूब डॉक्टर ड्रेक। मैंने पूरी कोशिश की थी, समझ गए? हाँ, मजाक करना अच्छी बात है, मगर अभी मजाक का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से जाना है। तुम्हारा चिरी तो बहुत भूखा लगता है, अब तक 12 पेड़ खा चुका है। हाँ, और गनीमत है कि ये नॉन वेजिटेरियन नहीं है। मुझे लग रहा है ये मैक सचमुच ज़ारा से कुछ ज्यादा ही चिपक रहा है। फिकर मत करो, उसे धूप लगी है इसलिए वो अजीब हरकतें कर रहा है। क्या हुआ चॉम, तुम खेलना चाहते हो? अच्छा सुनो, तुम चॉम के साथ इतनी अच्छी तरह से बातें कैसे कर लेते हो? मतलब? अब देखो ना, तुमने चॉम से कहा कि मुझे बचाए तो वो फौरन चल पड़ा और मुझे बचा लिया। इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं अपने डायनासोर से बात करता हूँ, हमारे बीच एक बॉन्ड बन गया है। तुम तो बहुत ही लकी हो, मैं तो कभी किसी के साथ इस तरह नहीं कर पाई। प्रिंसेस होने की वजह से सब लोग मुझे अलग समझते हैं। काश कोई होता जो मुझे समझता, मेरी हैसियत को नहीं। है तो कौन? जीनी। अरे हाँ मैक्स, सही कहा तुमने। और इसके अलावा मैं भी तो हूँ, तुम समझ रही हो ना? हाँ? मेरा मतलब था कि तुम बहुत ही अच्छी हो और हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं। हाँ, प्रिंसेस को ये बात बहुत पसंद आएगी रेक्स। हाँ, पसंद तो आएगी, मगर तुम उसे थोड़ा वक्त दो तब ना। उसे थोड़ा वक्त दो का मतलब? हम तो बस बात कर रहे थे, और बात करने में क्या बुराई है? हाँ, रहने दो, बात तो मैं भी कर सकता हूँ, समझे? हाँ हाँ, सपने में। हाँ, मैं तो सपने में भी अच्छी बातें करता हूँ। नहीं करते तुम। नहीं, मैं करता हूँ। चुप रहो, तुम लोगों की खिच बहुत सुन चुकी मैं, अब मैं सोने जा रही हूँ। मुझे भी नींद आ रही है। मैं अपना महल तुम्हें दे दूं, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है ना रशीद? हाँ सुल्तान, बिल्कुल ठिकाने पर है, और अगर ताज मुझे मिल जाए तो और ठिकाने आ जाएगा। मुझे तो लग रहा है कि तुम्हारा दिमाग हिल गया है, वरना तुम भी जानते हो कि ताज सिर्फ मेरे वारिस को ही मिल सकता है, और तुम वो नहीं हो। अभी नहीं हूँ, मगर प्रिंसेस ज़ारा से शादी करने के बाद तो बन जाऊंगा। मेरी बेटी से कभी नहीं। बहुत खूब जाहिद, अगर प्रिंसेस महल में आ रही है तो ये बात उसे कैद में रखने से ज्यादा अच्छी है। इन तीनों की वजह से आ रही है। अरे मुझे नीचे उतारना। इनके जानवरों की मदद से ये सल्तनत को कब्जे में करेंगे और प्रिंसेस से आपकी शादी करवा देंगे। अगर ये बात है तो अब हमें क्या करना चाहिए? चलो ऊँट की सवारी करते हैं। जल्दी करो, अगर तुम्हें इसकी परवाह नहीं हो तो जाओ। क्या तुम्हें डॉक्टर जी की परवाह नहीं है? है, मगर अपनी परवाह ज्यादा है। तो क्या तुम फिर से हेल्गा के चंगुल में फंसना चाहती हो? भूल गए? तुम लोग डॉक्टर का ध्यान अच्छी तरह से रखना, अगर इसे कुछ हुआ तो मैं तुम तीनों का दाना पानी बंद कर दूंगी, समझ गए? पहले खा कर देखो, फिर स्वाद का पता लगेगा। सुनो मैक्स, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब क्या कहना है? यही कि आई एम सॉरी, मुझे उस वक्त तुमसे झगड़ना नहीं चाहिए था मैक्स। कोई बात नहीं रेक्स, गलती मेरी भी थी। बात ये है कि ज़ारा, पहले तो मैं उसे सिर्फ सुंदर ही समझ रहा था, मगर बाद में मुझे ऐसा लगा कि वो समझदार भी है और प्यारी भी है और बड़ी कमाल की है।
अब मैं जब भी उसे देखता हूँ मेरे अंदर कुछ कुछ होने लगता है। मैं हमेशा उसके बारे में ही सोचता रहता हूँ। दीवाना कर दिया है उसने मुझे, मगर ये कोई बात नहीं हुई। उसकी वजह से तुमसे झगड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगा। तुम तो सिर्फ उससे बात ही कर रहे थे, ऐसा तो नहीं था कि तुम उसे प्यार करते हो और वो भी तुमसे प्यार करती है। क्या बात है मैक्स, अचानक तुम कहाँ खो गए? क्या हुआ? कुछ नहीं, आसमान में तारे कितने चमक रहे, देखो ना कितने सुंदर हैं। क्या कहा, तारे? हाँ देखो ना, उनसे सुंदर तो कुछ भी नहीं है। हाँ। तुम लोग अपना मुंह बंद करोगे या मैं तारे दिखाने शुरू करूँ? हाँ? वाह कितना सुंदर है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने घर में हूँ। इससे पता लगता है कि हम चाहे जहाँ भी रहे कुछ चीजें कभी नहीं बदलती। काश ऐसा होता कि हमारे पेरेंट्स भी हमारे साथ ये देख पाते। कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है वो भी कहीं इन तारों को देख रहे हो। हाँ, शायद रीस, रॉड और लॉरा भी इन्हें देख रहे हो। वाओ! क्या बात है, वाह क्या नजारा है, वाह क्या बात है। ये इतने सारे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सब इनसे घिर गए हैं। हम तो इनसे भी घिरे हुए हैं। सुल्तान, उन्होंने महल की दीवारें तोड़ दी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम अपने महल को इन खतरनाक जानवरों से कैसे बचाएंगे? एक और मुसीबत आ गई। सारा छिप जाओ। डाइनो स्लैश, हमला करो। सुबह सुबह जगाने का ये तरीका मुझे पसंद आया। क्या हुआ फुचकर, अब तुम क्या लेने आए हो? नहीं जाते हो? चलो तुम्हें तीन ऑप्शंस देता हूँ। मैं सैंडविच खाने आया हूँ, तुम सबको गले लगाना है या कॉस्मो स्टोन देना है। सही जवाब दिया कॉस्मो स्टोन। लेकिन वो तो हमारे पास है ही नहीं। अगर होता भी तब भी हम तुम्हें नहीं देते। मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। चलो इन्हें समझाओ पैकी राइनोसोरस। जल्दी करो इस, जाकर सारा और चीनी को बचाओ। इससे बचकर दिखाओ तो जानो। स्पेक्ट्रल आर्मर। इस नहीं। शॉप, तुम उस डायनो से निपटो। अरे नहीं, वो फंस गया। ये लो, अब हवा में भी कमाल देख लो। एंड हैंड गेयर डाइव। ओह नो, ये बात तो कुछ ज्यादा ही बिगड़नी जा रही है। इस हार गया। डाइनो स्लैश, स्प्रिंग ऑफ पैरासिटल ऑफिस। डाइनो टेक्टर ऑन। देख के ऐसा लग रहा है कि प्रिंसेस और जीनी वहाँ सही सलामत हैं। तो फिर पेरिस यहाँ सब कुछ संभाल लेगी। ग्रीन इंपल्स। जॉम,
मैं फिर आऊंगा और इस बार आऊंगा तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। अब तुम सुरक्षित हो। फुल्सकैप इतने यकीन से कैसे कह रहा था कि कॉस्मो स्टोन हमारे पास ही है? शायद इसलिए कि वो तुम्हें जल्दी ही मिलने वाला है मैक्स। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तुम्हारी बात सही हो। अगर वो गलत है तो मैं चला गया तो पता नहीं क्या होगा। और यहाँ सारे बदमाश उसके पीछे पड़े हैं। हाँ, तुम्हारी बात सही है। हमें और देर नहीं करनी चाहिए। किंगडम को बचाने और वो पत्थर ढूंढने के लिए हमें महल जाना ही होगा। तो अब हम रुक क्यों गए हैं? शायद चीनी को कुछ हो गया है। रुको, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। नहीं, आगे तो कुछ भी नहीं है। यहाँ सब ठीक है। मैं भी ठीक हूँ। King is what you wanna be, yeah. Dinosaur King is your destiny, yeah. The past is in the present. Time is twisted upside down. These fossils are colossal. Only one can wear the crown. Dinosaur King is your destiny,